नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सोलर ऊर्जा के बारे में, सोलर प्लेट के बारे में। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर काम कर रही है। ऐसे में घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने को लेकर अब नामित एजेंसी से भी रूफ टॉप सोलर प्लेट देने की बात समाप्त कर दी गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उपभोक्ता चाहे तो वे खुद किसी के यहाँ से भी खरीद कर, यानी सोलर प्लेट खरीद कर अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। इससे पहले क्या था कि सरकार की तरफ से कुछ एजेंसियां नामित थी, अभी भी नामित है, लेकिन अब जो नई बात कही गई है उसमें कहा गया है कि आप नामित एजेंसियों के अलावा भी आप जो है सामान खरीद कर अपने छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। सरकार इस योजना में उपभोक्ताओं को 40% तक का अनुदान मिलेगा। बता दें कि इसको लेकर जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने खुद ट्विटर कर दी है। इसके नियमों में बदलाव को लेकर यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों से इसको लेकर शिकायत पहुंची थी कि नामित एजेंसियां सोलर प्लेट देने में आनाकानी करती है। छतों पर लगने के बाद अगर प्लेट में खराबी आ जाती है तो उसकी मरम्मत की प्रक्रिया में भी एजेंसी के लोग मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने आवासीय छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए चलाए जा रहे रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को आसान बनाने के सूचीबद्ध विक्रेता से माध्यम से ही रूफ टॉप सोलर लगवाने की बाध्यता को जो है समाप्त कर दिया है। अब लाभार्थी खुद चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक रूफ टॉप के लिए 40% और 10 किलोवाट तक के लिए 20% सब्सिडी देगी। नियमानुसार सोलर प्लेट के लिए लाभार्थी को आवेदन प्राप्त कर उसे पंजीकृत स्वीकृत करने तथा प्रगति पर नज़र रखने के लिए 6 से 8 हफ्ते में राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा। लाभार्थी को अपने बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी ताकि उन्हें सरकार से अनुदान राशि मिल सके। राज्यों की बिजली कंपनियां भी एक पोर्टल विकसित करेगी जिसे राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टल से शुरू होने पर डिस्कॉम के माध्यम से रूफ टॉप सोलर प्लेट के स्थापना के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया चलती रहेगी। यह भी बताया गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय लाभार्थी तथा विक्रेता के बीच में समझौता का एक प्रारूप जारी करेगा। अन्य नियमों और शर्तों के साथ समझौते में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा कि छत पर स्थापित सोलर प्लेट सुरक्षा और प्रदर्शन के मानकों को पूरा करता है तथा विक्रेता समझौते के शर्तों के अनुसार अगले 5 वर्षों तक उससे अधिक अवधि तक के लिए प्लांट का रखरखाव करेगा। लाभार्थी को यह निर्धारित अवधि के भीतर अपना प्लांट स्थापित करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसे RTS प्लांट स्थापना के लिए फिर से आवेदन करना होगा। सौर ऊर्जा प्लांट का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टल पर नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करेगा, जिससे संबंधित बिजली कंपनियों को आवेदन भेजा जाएगा। संबंधित डिस्कॉम या तो नेट मीटर की खरीद और स्थापना करेगा अथवा वह लाभार्थी को निर्धारित निर्देश के मुताबिक नेट मीटर की खरीद करने के लिए डिस्कॉम अधिकृत प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करने को सलाह देगा। इसके बाद ही डिस्कॉम अधिकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर उसे शुरू करने और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डिस्कॉम द्वारा अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में चली जाएगी। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि आप मंत्रालय की वेबसाइट पर, यानी कि उसकी जो वेबसाइट है www.mnre.gov.in पर या फिर स्क्रीन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in में जाकर इसकी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी जब आवेदन कर देंगे तो उसके बाद जो है 15 दिनों के अंदर उनकी जो फाइल है, यानी कि उनका जो आवेदन है, वह बिजली कंपनियों के पास ऑनलाइन भेजा जाता है। उसके बाद कंपनी के पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद वह तकनीकी अर्हता जब आप पूरी कर लेंगे तो उपभोक्ता को जो है DCR के मापदंडों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद आप जो है सोलर प्लेट का चयन करेंगे कि आप किस मॉडल का जो है सोलर प्लेट अपने छत पर लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इस दौरान आप किस तरह के इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपसे संबंधित विक्रेता, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो विक्रेता का नाम अब तक जो है पोर्टल पर अंकित किया गया है उसका, या फिर आपकी जो मर्जी है
उसके हिसाब से भी जो है आप किसी दूसरी एजेंसी से भी जो है आप सोलर प्लेट खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो तत्कालीन जो बदलाव किया सोलर प्लेट लगाने को लेकर, उसमें कहा है कि जो अब तक जो है पोर्टल पे जो जिन एजेंसियों के नाम थे उसके अलावा भी जो है कई एजेंसियों के नाम जो है जहाँ से आप जो है अपना सोलर प्लेट खरीद सकते हैं, साथ ही साथ 40% के डिस्काउंट की भी बात जो है वह कही गई है। बिहार और बिहार जुड़ी हुई और ही ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।